सबसे पहले क्षमा मांगते हैं क्योंकि आज क्षमा वाणी का पर्व है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जैन धर्म में क्षमा वाणी का पर्व हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्षमा वाणी हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि अक्सर मनुष्य लोगों में क्या होता है कि क्रोध जल्दी आ जाता है, इसलिए क्षमा एक ऐसा जैन धर्म में पर्व है कि उससे क्रोध को शांत किया जा सकता है। जैसा कि जब भी कभी आप क्रोधित हो तब आप मुस्कुराहट को अपनाकर क्षमा भाव अपना सकते हैं। क्षमा एक ऐसा भाव है जो हमें बैर भाव पाप अभिमान से दूर रखता है और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर भी करता है। क्षमा भाव के बारे में हमारे भगवान महावीर ने भी बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। अतः आप भी इस क्षमा पर्व पर सभी को अपने दिल से माफी देकर भगवान महावीर के रास्ते पर चले। अब हम सभी हाथ जोड़कर सभी से क्षमा मांगते हैं और आप सभी से को क्षमा भी करते हैं। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। हमारे बीच हमारे जैन समाज के गौरव अध्यक्ष श्री साधु राम जैन जी हमारे बाबू जी विराजमान है। मैं उन्हें कहूँगा कि वो मंच पर आकर अपने दो शब्द यहाँ पर कहें। जिस तरह हमने दशरक्षण पर्व पे देखा है, इतने अच्छे ढंग से हमारे दशरक्षण पर निकले हैं, इतना धर्म की प्रभावना हुई है, तो हम चाहेंगे कि वो आए और अपने दो शब्द हमें करना सब ताली बजाकर एक बार उनका स्वागत करें। आज हम क्षमावनी पर्व मना रहे हैं। 10 दिन 10 लक्षण 10 धर्म ये पंचमी से प्रारंभ होकर के और चतुर्दशी को समापन होता है। 10 धर्म, धर्म तो एक ही है, धर्म कभी दो नहीं होते हैं, धर्म एक ही होगा, लेकिन इसकी शाखाएं कह लीजिएगा, अंग कह लीजिएगा, ये सब अलग अलग होते हैं, समझाने के लिए अलग होते हैं। बताते हैं कि भाई ये क्षमा, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, जैसे शरीर में हमारे अंग हैं हाथ पैर नाक, ऐसे ही धर्म के भी अंग बता करके समझाने के लिए इसको बता दिया है। धर्म एक ही है। बहुत हर्ष उल्लास के साथ में हमारा पर्व संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ, मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है कि कोई वाद विवाद के बगैर, किसी त्रुटि के बगैर, किसी और अच्छी सब प्रभावना सब ने पूजन पाठ में सब ने भाग लिया। आज क्षमावनी पर्व पर सुबह कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम मैं उसको कह सकता हूँ, जो हमारे 4 वक्त प्रवक्ता आए थे, आपने जिसने भी सुना होगा सभी ने तारीफ की है कि चारों प्रवक्ता जो हमारे मतलब सुलझे हुए थे और सब ने इस पर्व के क्षमावनी पर्व पर अपना वक्तव्य दिया, सब ने उसकी सराहना की। जो नहीं आए, जो वंचित रह गए, उनका अवभाग्य, लेकिन जो आए हैं उनका सौभाग्य। और मैं अब इन बच्चों के बारे में कहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ और भविष्य में भी कामना करता हूँ कि इस तरह का आयोजन आप
करते रहें। और मैं तो समझता हूं कि हमारी महिलाएं जो भी कार्यक्रम 10 दिन में इन्होंने दिया है, महिलाओं ने सब सराहे ने था, बुढ़िया की लुटिया कितना अच्छा कार्यक्रम दिया है, और क्या नाम था, चंद गुरु मौर्य, वो तो बहुत ही सराहनीय की मतलब ऐसी जो उन्होंने प्रस्तुति की है, मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा कार्यक्रम हमारी घर की बहुएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे उसको भली भांति इसको सुचा करेंगे। और दो चंद गुरु मौर्य और एक वो चाणक्य, उनका दो का रोल तो देखो आपकी प्रशंसा करनी होगी कि उनका रोल प्रशंसनीय था, सराहनीय था, रोल सभी के बढ़िया थे, सभी ने अपने अपने पार्ट बढ़िया किए हैं, सबके याद थे, अच्छी बात ये थी सबके जबानी याद थे। चलो ज़्यादा नहीं मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा फिर तो, इनका प्रोग्राम में जो होने दो। धन्यवाद बहुत बहुत बच्चों का, मुझे मैं बच्चों को फिर आशीर्वाद देता हूँ कि ये लगे रहें अपने जो इनका लक्ष्य है उसमें लगे रहें। धन्यवाद। बंधुओं और मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, मैं सबसे आज क्षमावानी के पर्व पर मुझे सलभ भैया ने याद दिलाया कि भैया आज मेरा जन्मदिन है। ये फेसबुक का ही कमाल है कि मुझे नहीं पता, मुझे बताया भी नहीं, आप बता दो देते मुझे कम से कम कि मेरा जन्मदिन की दावत कर रहे हैं आप। सबसे क्षमा और सबको क्षमा, क्योंकि क्षमा का हमारी समाज जैन समाज में, जैन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। पंडित जी ने 10 दिन ये जो हमें 10 धर्म की सीढ़ी बताई है मोक्ष मार्ग के लिए, मैं सभी से ये कामना करता हूँ कि हम इस बताए हुए मार्ग पर चलें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। जय हिंद, जय जिनेंद्र। हमारे बीच समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हो चुके हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं पुनः। अब दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा योगेश जैन अंकल जी को, कृपया वह आए, और सतीश जैन अंकल जी को चाहूंगा, श्रीमती अभिलाषा जैन जी को कि वे आए और कार्यक्रम को गति प्रदान करें और मंगलाचरण करें। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र और आप सभी से मेरा क्षमा भाव। जयकारा लगाइए, बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, बोलिए 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए आदिनाथ भगवान की। मैं नमोकार मंत्र से अपना इस भजन संध्या का कार्यक्रम शुरू करती हूँ कि क्रोध पीकर जो मुस्कुराता है, क्रोध पीकर जो मुस्कुराता है, मान सम्मान से ऊपर हो जाता है, और क्षमा मार्ग को जिसने गले लगाया वह इंसान नहीं भगवान कहलाता है। नमोकार मंत्र ही महामंत्र निज पद का ज्ञान कराता है, नमोकार मंत्र ही महामंत्र निज पद का ज्ञान कराता है, नित जप लो इसको मन वच से, मन वांछित फल का दाता है। नमो
पद का ज्ञान कराता है। नित जप लो इसको मन वच से, मन वांछित फल का दाता है।
दिखलाता है ये ऊंचा पद संकट से शीघ्र बचाता है नमोकार मंत्री महामंत्र निज पद का ज्ञान कराता है ज्ञान कराता है नित जप लो इसको मन वच से मन वांछित फल का दाता है बोलिए महावीर भगवान की बोलिए नमोकार मंत्र महामंत्र की जय हो। देखिए ये आज हम जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं वो भजनों के माध्यम से कर रहे हैं। यदि आपके मन में भाव हिलोरे ले रहे हैं पैर थिरक रहे हैं तो कृपया करके आप नृत्य भी कर सकते हैं वहीं स्थान पे भी और आगे भी आके कर सकते हैं। जितनी युवा पीढ़ी बैठी है जिन्हें नीचे बैठने में कोई तकलीफ ना हो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वे आगे आके अपना अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। जय जिनेन्द्र बोलो यारे ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा रे जय जिनेन्द्र बोलो यारे जय जिनेन्द्र बोलो यहाँ रे
कर जाते हैं वो परीक्षा। छिक छपाओ दे छपाओ पास आओ रे, छिक छपाओ दे छपाओ पास आओ रे। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलो यहाँ रे, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा रे। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलो यहाँ रे, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा रे। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलो यहाँ रे। धन्यवाद आंटी जी का। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र और मेरे शवम भाव। आपके आपको आप में भर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी गुरु हे महावीर जिन, आपके दुचरण में विनम शार्प में माइनर। मधुबन के मंदिरों में, मधुबन के मंदिरों में भगवान रहा है। पारस प्रभु के दर पे सोया
हमारे बीच शामली से प्रयागदत्त शर्मा जी आ रखे हैं, वो भी अपने भजनों की आपके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। उनके भजन बहुत ही सुंदर आवाज़ है उनकी, मतलब ऐसी जो हृदय को छूती हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनकी आवाज़ है। कृपया सब जरूर अंतिम पड़ाव तक के प्रोग्राम देखें। नेक्स्ट मैं आरती कराऊं।
भक्तों को वीरा की फोटो मिली, दो भक्तों को वीरा की फोटो मिली, कभी वो पूजता कभी वो पूजता, दो भक्तों को वीरा की फोटो मिली, दो भक्तों को वीरा की फोटो मिली, कभी वो पूजता कभी वो पूजता, कभी वो पूजता कभी वो पूजता, कभी वो पूजता कभी वो पूजता, कभी वो पूजता कभी वो पूजता। रंग मारे रंग मार रंग मार रंग मारे प्रभु थारा ही रंग मार रंग गयो रे, रंग मार रंग मारे रंग मार रंग मार रंग मारे प्रभु थारा ही रंग मार रंग गयो रे, रंग मार रंग मार रंग मारे रंग मार रंग मार रंग मारे प्रभु थारा ही रंग मार रंग गयो रे। जिन जिन लोगों को भक्ति करनी है वो आगे आ सकते हैं। भक्ति में थारू यू नाच रयो रे, भक्ति में थारी यू नाच रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मार रंग गयो रे, रंग मार रंग मार रंग मारे प्रभु थारा ही रंग मार रंग गयो रे। भगवान
भगवान कह के बुलाए रयो रे, भगवान कह के बुलाए रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मा रंग गयो रे, रंग मा रंग मा रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग मा रंग गयो रे, रंग मा रंग मा रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग मा रंग गयो रे, प्रभु थारा ही रंग मा रंग गयो रे, प्रभु थारा ही रंग मा रंग गयो रे। को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसी आवाज़ को आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ जो एक कोकिला कंठ है, एक ऐसी आवाज़ है वो जिनकी तुलना अगर मैं बड़े कलाकारों से करूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्रीमती अभिलाषा जैन जी का, आए और अपनी प्रस्तुति दें, जोरदार तालियाँ। सभी भक्ति में विभोर होकर आज का सबका मन जो है मंत्रमुग्ध है और सब तालियां बजाने और नाचने के लिए तैयार हैं। जीनी 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 उड़ रे गुलाल रे कयो रे मंगे तेल से, जीनी जीनी उड़ रे गुलाल मैं नाचू थारे अंगना में, जीनी जीनी उड़ रे गुलाल मैं नाचू थारे अंगना में, 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 मैं नाचू थारे अंगना में। जीनी 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 उड़े रे गुलाल रे कयो रे नाचे अंगना में, जीनी जीनी उड़े रे गुलाल मैं नाचू थारे अंगना में। तो प्रभु जी आत्म ज्ञानी मारा, तो प्रभु जी मारा, तो प्रभु जी आत्म ज्ञानी मारा, तो प्रभु जी आत्म ज्ञानी, ज्ञान की जिसने ज्योत जला दी, ज्ञान की जिसने ज्योत जला दी, ज्ञान का भरा रे भंडार, ज्ञान का भरा रे भंडार मैं नाचू थारे अंगना में, ज्ञान का भरा रे भंडार मैं नाचू थारे अंगना में, जीनी जीनी उड़ रे गुलाल मैं नाचू थारे अंगना में, 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 जीनी 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 उड़ रे गुलाल मैं नाचू थारे अंगना में, जीनी जीनी उड़ रे गुलाल मैं नाचू थारे अंगना में। सबको तेरी आस लगी है, हम सबको तेरी आस लगी है, हम सबको तेरी आस लगी है, हम सबको तेरी आस लगी है, कर दो बेड़ा पार मैं नाचू थारे अंगना में, कर दो बेड़ा पार मैं नाचू थारे अंगना में, जीनी जीनी उड़े रे गुलाल मैं नाचू थारे अंगना में, जीनी जीनी उड़े रे गुलाल मैं नाचू थारे अंगना में।
जब महावीर जी गर्भ में आए, जब महावीर जी गर्भ में आए, देवों ने सारे रतन लुटाए, इंद्रों ने दया कर, जपू में दिन भर दया कर नाथ दया कर, जपू में दिन भर वीर मेरे जन जन के हैं प्यारे, महावीर जन जन के हैं प्यारे, माँ त्रिशला की आंखों के तारे, कृपा से तेरी नाथ दया कर, जपू में दिन भर दया कर नाथ दया कर, जपू में दिन भर वीर मेरे वीर मेरे। परस तूने तप किया भारी, तूने तप किया भारी, तुम हुए केवल ज्ञान के धारी, जीवों को विश्वन्य महावीर भगवान की। आवाज नहीं आई पीछे से, एक बार जोरदार भगवान का जयकारा लगाइए, बोलिए विश्वन्य महावीर भगवान की। के गांव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी, दर्शन करने आऊंगी तेरो वंदन करने आऊंगी, दर्शन करने आऊंगी तेरो वंदन करने आऊंगी, चांदनपुर के गांव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। के बीचों बीच मान को स्तंभ है,
मैं ना जाए वो सब जाए मैं कैसे रह पाऊंगी, मैं ना जाए वो सब जाए मैं कैसे रह पाऊंगी, सवा शेर का लोटा लेके चरणों चरण चढ़ाऊंगी, दर्शन करके जाए सारी पीड़ा, बुला ले वीरा मैं तो दर्शन करने आऊंगी, चांदनपुर के गांव में बुला ले वीरा मैं तो दर्शन करने आऊंगी। आइए, सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ सुलभ जी का, अंकुर जी का और इस पूरी कमेटी का कि जिसने मुझे आज यहाँ पर बुलाया है और मुझे मौका दिया है आप सभी के बीच में गाने का। गाना बजाना तो मैं नहीं जानता लेकिन अभी मैं सीख रहा हूँ, सच्चाई है बिल्कुल ही। लगाओ हाथ ऊपर करके लगाओ, ठीक है, हथेली बजाते रहो, कलाकार दो ही स्थिति में अच्छा गाएगा। मैं बता दूं आपको, कोई भी सिंगर हो दो स्थिति में अच्छा गाएगा, या तो आप उसको हथेली बजाते रहिए, हथेली आपकी हथेली कलाकार की बैंड चार्ज करती है, या फिर उसको नोट देते रहिए उसकी बला से, तुम सुनो या ना सुनो और अच्छा गाएगा, दो ही बात। दिले नाकाम के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है, और किसी की बर्बादी पर आंसू बहाने यहाँ कौन आता है, कोई तो करिश्मा होगा इस बाबा में वरना बिना वजह के यहाँ रात बिताने कौन आता है। अच्छी बात लगे तो हथेली बजाया करो, हाँ ये हौसला बढ़ता है कलाकार का। तेरे ना
तेरे दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, जो भी आते हैं ते मुंदो, जब भी नैन खोलो, कानों में परस्पर यही रस घोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, कानों में परस्पर यही रस घोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो रे बोलो, जय जिनेंद्र बोलो। इस संसार का सार है जिनवर, करुणा के अवतार है जिनवर, भव भव में भ्रमते जीवों का, मुक्ति का आधार है जिनवर, गुण चरित्र इनके हृदय में संजो लो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, कानों में परस्पर यही रस घोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो रे बोलो, जय जिनेंद्र बोलो। भाई साहब 5 मिनट और बैठ जाइए, बस आपको भी अच्छा लगेगा। या मैं जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे, देवा ओ गुरुवर देवा, देवा ओ गुरुवर देवा, देवा ओ गुरुवर देवा, देवा ओ गुरुवर देवा। हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे, देवा ओ गुरुवर देवा, देवा ओ गुरुवर देवा। चंद प्रभा के हो तुम पुत्र प्यारे, श्रीपाल के राज दुलारे, चंद प्रभा के हो तुम पुत्र प्यारे, श्रीपाल के राज दुलारे, जन्म जिससे लिया जग को रोशन किया, सबके होठों पे तेरी कहानी रहे, कहानी रहे, देवा
ओ गुरुवर देवा देवा ओ गुरुवर देवा हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे देवा ओ गुरुवर देवा देवा ओ गुरुवर देवा देवा ओ गुरुवर देवा देवा ओ गुरुवर देवा। दो बात है, या तो आपको मेरे भजन अच्छे नहीं लग रहे हैं और या आपके पास में टाइम नहीं है। अब ये पता नहीं बात कौन सी है। नाचने वाले सुनो, भक्ति करोगे सब याद करो। आइए, ये भजन रूपेश जैन जी का बहुत ही सुंदर भजन आजकल बहुत गाया जा रहा है। आदितन कहाँ गए सुलभ जी? आदितन तुमने कर दिए वादे, आदितन हमने एतबार किया। आदितन तुमने कर दिए वादे और आदितन हमने एतबार किया, लेकिन अब ना मांगेंगे जिंदगी या रब, क्यों ये गुनाह हमने पहली बार किया है। पिछले जन्म का पुण्य कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म का पुण्य कर्म मुझे जैन कुल परिवार मिला है, पिछले जन्म का पुण्य कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला है, पिछले जन्म का पुण्य कर्म मुझे जैन कुल परिवार मिला। अरहंत प्रभु की शरण मिली, अरहंत प्रभु की शरण मिली, कई सो मुनियों का प्यार मिला है। पिछले जन्म का है पिछले जन्म का पुण्य कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला है, पिछले जन्म का पुण्य कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। सुनने की बात है, दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतराग सा कोई नहीं, दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतराग सा कोई नहीं है, संत अनेको धरती पर इतने त्यागे तो कोई नहीं, इतने त्यागी तो कोई नहीं। हमें मिला दिगंबर मुनि रूप, हमें मिला दिगंबर मुनि रूप और मुक्ति का आधार मिला। अरहंत प्रभु की शरण मिली, अरहंत प्रभु की शरण मिली, कई सो मुनियों का प्यार मिला है, पिछले जन्म का पुण्य कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला है, पिछले जन्म का पुण्य कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला।
यहाँ जीव अहिंसा दया धर्म घुट्टी में पिलाया जाता है। चीटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखलाया जाता है। यहाँ जीव अहिंसा दया धर्म गुट्टी में पिलाया जाता है। चीटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखलाया जाता है। हमें जियो और जीने दो का, हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला और हंत प्रभु की शरण मिली, और हंत प्रभु की शरण मिली, कई सो मुनियों का प्यार मिला। है पिछले जन्म का पुण्य कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, है पिछले जन्म का पुण्य कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। बोलो महावीर भगवान की। ¡Gracias!
Come on.
भगवान की। जाऊं वीर तुमको बुलाऊं, तेरी पूजा रचाऊं, प्यारे दीप जलाऊं। वीर 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 नाम दोहराऊं, कैसे तुमको मनाऊं, तेरे दर्शन में पाऊं। करूं मैं प्रभु से